नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। जब हमारे आसपास प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है, हमारे आसपास हम अनुभव करते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत प्रदूषित हो चुका है, तो वो हमारे बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और साथ में ही हम अनुभव करते हैं कि हमारी त्वचा भी फटने लगती है और साथ में हमारे लिप्स भी फटने लगते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि इस वक्त क्योंकि प्रदूषण बहुत बढ़ा हुआ है आपके होंठ फट रहे हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगी ऐसे आसान से तरीके जिनके माध्यम से आप अपने फटे हुए होंठों को गुड बाय कह सकते हैं और प्रदूषण में भी अपने आप को बचा करके रख सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे काकी मुद्रा का अभ्यास। काकी मुद्रा बहुत सिंपल है, आप दिन में दो बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। सीधे बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, जीभ का पाइप बना करके उस पाइप से सांस लेना और नाक से सांस छोड़ देना। वेरी वेरी सिंपल स्थिति में बैठना, नाक से छोड़ देना, पांच से दस बार तक आप इसे रिपीट कर सकते हैं और दिन में दो बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये तो हुआ अभ्यास का, लेकिन साथ में आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप सरसों का तेल लीजिए और अपनी नाभि में दो बूंद सरसों का तेल डाल लीजिए। बिल्कुल सही सुना है आपने, हम बात तो होंठों फटे होंठों को ठीक करने की कर रहे हैं, लेकिन काम आपकी नाभि करेगी। जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे तो आप मुंह से भोजन नहीं करते थे, आप नाभि से भोजन करते थे। आपकी नाभि आज भी एक्टिवेटेड है, बस हम उससे काम नहीं लेते हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है जिस पर हमारे अनेक अनेक डिस्कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि कैसे सूर्य से हम नाभि के माध्यम से डायरेक्ट ऊर्जा ले सकते हैं, कैसे हमारी नाभि वर्क करती है, मणिपुर चक्र वर्क करता है। आज इतना समझ लीजिए कि अगर फटे हुए होंठों की समस्या है, प्रदूषण के कारण आपके होंठ फट रहे हैं या किसी भी कारण से आपके होंठ फट रहे हैं, रात को सोने से पहले दो बूंद सरसों का तेल लीजिए, अपनी नाभि में डाल लीजिए, ओवरनाइट जिसे डला रहने दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो अपने आप जब नहाएंगे तो इसको ये साफ हो जाएगा। सिर्फ नाभि ही नहीं, इसको कहते हैं न से आरंभ होने वाले आपके जो अंग हैं, जैसे नाभि, नासिका और नाखून। अगर आप नाभि में, नाक में एक एक बूंद शुद्ध गाय का देसी घी और अपने नाखूनों में भी सरसों का तेल अप्लाई करके सोते हैं तो आपके स्किन से, चाहे वो होंठ हैं चाहे वो पूरी त्वचा है, जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। रात को सोने से पहले आप थोड़ी सी मलाई लीजिए और आप जब आप मुंह धो लेंगे अच्छे से तो अपने लिप्स पर उस मलाई को थोड़ा सा रब कर लीजिए, ओवरनाइट लगा रहने दीजिए। सुबह उठ के देखेंगे एक दिन के अंदर ही आपको आराम लगना आरंभ हो जाएगा। अगर आप ये क्रियाएं भी करते हैं जो बताई गई, ये टिप्स जो आपको दी जा रही हैं उनका पालन करते हैं तो आप देखेंगे जब आप सुबह उठेंगे तो आधी समस्या तो आपकी जा चुकी होगी। कम से कम एक हफ्ता रेगुलरली ऐसा कर लीजिए और हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।